हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जो कि आप लोग कमेंट सेक्शन में उसका आंसर जरूर दोगे। डू यू थिंक प्रॉफिट इज मोर इम्पोर्टेंट देन ह्यूमन लाइफ? इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना। खैर, आज हम लोग बात करेंगे नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एक नई डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम है डाउनफॉल द केस अगेंस्ट बोइंग। इस डॉक्यूमेंट्री में हमें दो अलग अलग केसेस देखने को मिलते जो कि 2018 और 2019 में हुआ था। लायन एयरलाइंस की एक फ्लाइट क्रैश हुई थी जिसमें 189 लोगों की डेथ हुई थी, और दूसरा 2019 में हुआ था जिसमें इथियोपियन एयरलाइंस की एक प्लेन क्रैश हुआ था जिसमें 157 लोगों की डेथ हुई थी। तो इन दोनों ही क्रैशेस में क्या कनेक्शन है, और क्या इन क्रैशेस का ब्लेम हम लोग पायलट्स पर डालेंगे या तो फिर इनके पीछे कुछ कॉर्पोरेट हाउसेस है? ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट्रीज देखनी पड़ेगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट्रीज यू तो बहुत लोगों को बोरिंग लगती है, लेकिन अगर आप लोग नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री देखो तो वो लोग हर एक पन्ने को इतनी अच्छी तरह से पलटते हैं कि आपको सुनने में देखने में मजा तो आता है लेकिन काफी कुछ चीजें जानने को भी मिलती है जो हम लोग न्यूज में समझ नहीं पाते, और ये चीज बहुत अच्छी होती है। और उसके अलावा यहाँ पर एरोप्लेन की माइनर से माइनर चीजें यहाँ पर बताई, जो कि एक जीरो बंदा भी अगर देखे जिसको एरोप्लेन के बारे में कुछ भी नहीं पता, उनको भी काफी कुछ चीजें समझ में आएगी जैसे कि मुझे समझ में आई है। उसके अलावा इस शो को जिस तरह से नरेट किया है तो भाई एक मोमेंट में आपको एक अलग ही जोन में लेके चला जाता है। और जब इस तरह के इंसिडेंट में कोई अपने लव्ड वंस को खोता है तो उनके अंदर का जो पेन है, तकलीफ है, उसको आप लोग वर्ड्स में भी बयान नहीं कर सकते, और चाहे उनको इसके बदले लाखों रुपए तक मिल जाए लेकिन उनके जो चाहने वाले जिनको उन्होंने इस इंसिडेंट में खोया है वो कभी वापस नहीं आ सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि चाहे कोई भी कंपनी हो, लोगों की जिंदगी को इतना ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। शो में बोइंग कंपनी जो कि बहुत बड़े बड़े एरोप्लेन्स बनाती थी कई सालों से, यहाँ से नहीं बहुत सालों से, और इस कंपनी का राइज और डाउन बहुत ही अच्छी तरह से बताया, और इसे कंपनी ने प्रॉफिट ज़्यादा बनाने के लिए सेफ्टी को नज़रअंदाज किया, वो भी इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्री बहुत अच्छी तरह से देखने को मिलता है। और थ्रू आउट द वे बहुत सारी ऐसी, मैं फिर से बता रहा हूँ कि माइनर से माइनर डिटेल्स पर उन लोगों ने यहाँ पर फोकस किया जो आपको बहुत कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करती है। मैं इतना कह सकता हूँ कि आप लोगों को इस तरीके की डॉक्यूमेंट्रीज देखना तो यार इसको जरूर देखना, बहुत गजब की डॉक्यूमेंट्री, बहुत कुछ समझने सीखने को मिलेगा। मैं इसको रेटिंग दूंगा 8 out of 10, और डेफिनेटली ये आप सबके साथ बैठ के देख सकते हो, और ये इंग्लिश में अवेलेबल है। नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।